हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में किरचॉफ्स करंट लॉ ये टॉपिक का 13th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एक सर्किट दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है यूज नोडल एनालिसिस टू फाइंड करंट्स इन द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द नेटवर्क शोन। देखो, ये जो यहाँ पे सर्किट दिया है इसमें डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस है, सभी ब्रांचेस में से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है और ये हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस, इट मींस बाय यूजिंग KCL, दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही टेक्निक का यूज करेंगे जो हमने इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। यहाँ पे सबसे पहले आपको काउंट करना पड़ेगा कि टोटल कितने ब्रांचेस दिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ टोटल 3 ब्रांचेस है, ठीक है। ये है ब्रांच वन, देखो ये पूरा ब्रांच वन, देन ये है ब्रांच नंबर टू और ये है इधर ब्रांच नंबर थ्री, ठीक है। ब्रांच नंबर वन में क्या क्या है, तो ब्रांच नंबर वन में यहाँ पे एक यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंसेस दिए हैं। ब्रांच नंबर टू में कोई सोर्स नहीं है, ब्रांच नंबर टू में सिर्फ एक रेजिस्टेंस दिया है, लेकिन ब्रांच नंबर थ्री में यहाँ पे एक करंट सोर्स दिया है। तो और ये करंट सोर्स के थ्रू यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ये भी दिया है। इसका मतलब ये है कि ये जो थर्ड ब्रांच है, ब्रांच नंबर थ्री, ये थर्ड ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट हमें पता है, दैट इज 2 एम्पियर। ये पूरे ब्रांच में यहां से यहां तक जो है वो 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, ये कन्फर्म है, क्योंकि उधर सिर्फ वहां पर करंट सोर्स है इसीलिए, ठीक है। लेकिन इधर के दोनों ब्रांचेस में क्या क्या करंट फ्लो हो रहे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो अब ये हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, अगर आपको ये ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट और ये ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट अगर फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले जहां पे नोड है वो नोड वोल्टेज फाइंड आउट करो। देखो नोड कहां पे है, देखो ये तीनों ब्रांचेस कहां पे मिल रही है, तो तीनों ब्रांचेस जो है वो यहां पे मिल रही है। देखो ये जो नोड बी है यहां पे मिल रही है, तो ये जो नोड बी है ये नोड के अक्रॉस का वोल्टेज हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे। ये नोड के अक्रॉस की वोल्टेज को हम कहेंगे दैट इज वी बी, यानी वोल्टेज अक्रॉस द नोड बी, इसलिए वी बी। और ये जो जो ये जो नीचे का नोड है ई, ये इसको हमें अर्थ करना पड़ेगा। तो ये देखो हम यहाँ पे इसको अर्थ कर लेंगे, अर्थ करने से क्या होगा, इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो नोड ई है इसके अक्रॉस का पोटेंशियल यहाँ पे जीरो है। तो ये सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो नोड बी है इसके अक्रॉस का ये वोल्टेज वी बी, यानी नोड वोल्टेज आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आपको नोड वोल्टेज मिल गया तो ये नोड वोल्टेज का यूज करके आप इधर के ब्रांच में और ये ब्रांच में आसानी से करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर के ब्रांच में तो करंट हमें पता है, दैट इज 2 एम्पियर, ठीक है। तो चलो ये नोड के अक्रॉस का वोल्टेज हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग यहां पे KCL, इट मींस बाय यूजिंग दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ। तो ये हम यहां लिख लेंगे अप्लाई KCL एट नोड बी, ठीक है। नोड बी पे हम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं KCL, ठीक है। तो अब यहां पे रूल क्या है वो समझ लो। यहां पे कोई भी टाइप का करंट का नाम वहां का, इट मींस I1, I2, I3 ऐसा दिया है कि नहीं दिया है, तो वो हम यहां पे पहले शो कर लेंगे। तो ये देखिए, यहां पे बैटरी है 8 वोल्ट की, इसका प्लस ऊपर है माइनस नीचे है, और कन्वेंशनल करंट आपको शो करना है प्लस टू माइनस। तो इसका करंट हम यहां पे शो करेंगे, ये देखो ये 8 वोल्ट बैटरी के वजह से करंट यहां से निकलेगा इस तरह से, ठीक है। ये आ रहा है करंट, हम ये करंट को नाम दे देंगे दैट इज I1। ये करंट इस तरह से आएगा और ये नोड बी पे ये देखो इस तरह से एंटर करेगा, ये है I1। ये देखो यहां से निकला, ये I1 यहां से लेके यहां तक आया और ये नोड पे आके यहां पे डिवाइड हो जाएगा, कुछ जाएगा उधर, ठीक है, और कुछ जाएगा इधर। ये देखिए इस तरह से जो करंट ये ब्रांच में से गया, ब्रांच टू में से, इसको हम नाम देंगे दैट इज I2, और जो करंट ये ब्रांच से गया, ये ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है इसको हम नाम दे देंगे I3। तो ये देखिए इस तरह से हमने टोटल यहाँ पे तीनों ब्रांचेस में से फ्लो होने वाला करंट यहाँ पे शो किया है। ब्रांच वन में फ्लो हो रहा है I1, ये देखो I1, ब्रांच वन में से ये पूरा I1 फ्लो होगा, ये इस तरह से आएगा, ये देखिए यहां से आएगा ये I1, बाद में ये इस तरह से आएगा, ये ब्रांच में से फ्लो हो रहा है I1, यहां पे डिवाइड हो जाएगा इधर I2 इधर I3, जो I2 I3 है बाद में दोनों यहां पे मिल जाएंगे और फिर से I1 बन के इधर में फ्लो होगा इस तरह से। बस हमें ये I1 I2 I3 फाइंड आउट करना है, उसमें से I3 हमें पता है, I3 यानी 2 एम्पियर, ये कन्फर्म है। तो चलो हमें क्या करना है, ये नोड वोल्टेज VB फाइंड आउट करना है और उसके लिए हमें ये नोड पे यहां पे अप्लाई करना है KCL। तो हमने यहां स्टेटमेंट में लिख लिया है अप्लाई KCL एट नोड B। अब अप्लाई करने के लिए रूल क्या है, तो रूल ये है कि अगर
कोई नोड पे कोई करंट अगर एंटर कर रहा है तो उसको आपको नेगेटिव में लेना है, और अगर कोई करंट कोई नोड से लीव कर रहा है तो उसको पॉजिटिव में लेना है। क्या कहा? देखो हम यहां पे लिख के देते हैं, एंटर करने वाला जो करंट है उसको नेगेटिव में लो, और लीव करने वाला जो करंट है उसको यहां पे पॉजिटिव में लो, प्लस में। ये रूल का यूज करके हम सॉल्व करेंगे। अगर आपने इसका उल्टा रूल यूज किए तो भी चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मीन जो करंट एंटर कर रहा है वो अगर आपने प्लस में लिए, और जो करंट लीव कर रहा है वो अगर आपने माइनस में लिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनल जो आंसर है, जो इक्वेशन है, वो एक ही बनता है, आंसर फाइनल एक ही आएगा। चलो यहाँ पे ये रूल का यूज करके अगर हमें सॉल्व करना है तो देखो, ये जो नोड बी है यहाँ पे कौन सा करंट एंटर कर रहा है, कौन सा करंट लीव कर रहा है। तो ये जो करंट I1 है, ये करंट I1 ये नोड पे एंटर कर रहा है। देखो नोड पे एंटर कर रहा है तो I1 हो जाएगा यहां पे माइनस में, तो ये हम यहां लिख लेंगे माइनस ऑफ I1। उसके बाद I1 आया और यहां पे नोड B पे I2 और I3 जा रहा है। इट मीन्स I2 जो है वो नोड B से लीव कर रहा है, यानी नोड B से बाहर जा रहा है, और I3 भी नोड B से बाहर जा रहा है, यानी यहां पे लीव कर रहा है। I2 I3 दोनों करंट्स नोड B से लीव कर रहे हैं तो दोनों प्लस में आएंगे। तो प्लस ऑफ I2 प्लस ऑफ I3 इक्वल टू जीरो। देखो इक्वेशन बन के तैयार है, ठीक है। ये एंटर कर रहा है इसलिए माइनस, ये दोनों लीव कर रहे हैं इसलिए प्लस। अगर आपने इसका उल्टा रूल यूज किए तो इससे क्या होगा, अगर आपने इसका उल्टा रूल यूज किए तो ये प्लस हो जाएगा और ये दोनों माइनस हो जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनल आंसर हमने कहा था एक ही आता है। आप चाहे तो दोनों तरह से रफ में सॉल्व करके देख लो, आंसर 100% एक ही आता है, ठीक है। कुछ कॉलेजेस में ये रूल से पढ़ाते हैं तो कुछ कॉलेजेस में इसका उल्टा रूल यूज होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं आपको वही मेथड फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पे ये जो I3 है, I3 यानी क्या बताए थे, I3 इज द 2 एम्पियर। ये देखो ये जो ब्रांच में फ्लो हो रहा है I3 जो कि है 2 एम्पियर। इट मीन्स I3 की जगह यहां पे हम लिख लेंगे प्लस 2 एम्पियर। देखो यहां पे हम यहां लिख लेंगे 2 इक्वल टू 0, ठीक है। I3 की जगह 2 आ गया। अब I2 की जगह क्या आएगा, देखो I2 की जगह और I1 की जगह। तो आपको क्या करना है, ये करंट I को V/R के फॉर्म में सेट करना है, क्योंकि करंट I यानी By using Ohm's law, I यानी V/R होता है। तो इसको भी V/R के फॉर्म में यहां पे सेट करो, और I2 को भी यहां V/R के फॉर्म में सेट करो। तो क्या होगा, तो चलो सबसे पहले देखते हैं I2 को। I2 कहां से कहां जा रहा है, तो I2 जो है वो ये नोड B से ये नोड E के तरफ जा रहा है। ये नोड B पे वोल्टेज है VB, और ये नोड पे वोल्टेज है दैट इज जीरो, क्योंकि हमने कहा था इसको अर्थ किया है, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज हो गया जीरो। और करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, इसका मतलब ये VB बड़ा है, ये VB, और ये जो अर्थ किया है ये नोड के अक्रॉस का वोल्टेज छोटा है। तो जाहिर सी बात है I2 हो जाएगा VB माइनस जीरो डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो हम यहां लिख लेंगे VB माइनस जीरो डिवाइडेड बाय 6। तो ये हमने I2 को V/R के फॉर्म में लिख लिए, ठीक है। ये VB दैट इज हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय उसके बीच में का रेजिस्टेंस क्या है 6, ठीक है। VB माइनस जीरो डिवाइडेड बाय 6 I2 हो गया। अब चलो I1 को हम V/R के फॉर्म में लिखते हैं। तो I1 कहां से कहां जा रहा है चेक करो। तो I1 जो है वो ये बैटरी से ये नोड के तरफ जा रहा है। ये बैटरी के अक्रॉस का वोल्टेज है 8 वोल्ट, और ये नोड के अक्रॉस का वोल्टेज है VB, और ये हो गया हायर पोटेंशियल, ये हो गया लोअर पोटेंशियल, ठीक है। क्योंकि इधर से इधर जा रहा है इसलिए ये हायर हो गया। सो 8 माइनस VB डिवाइडेड बाय इनके बीच में देखो क्या है 12 ओहम 2 ओहम, और ये दोनों सीरीज में है तो ये हो जाएगा 14 ओहम। तो ये हम यहां लिख लेंगे दैट इज 8 माइनस VB डिवाइडेड बाय हम यहां लिख लेंगे 12 प्लस 2। ये देखिए इस तरह से हमने इक्वेशन तैयार कर लिए। I1 को V/R के फॉर्म में लिख लिए, I2 को भी V/R के फॉर्म में लिख लिए, I3 को लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि I3 यानी खुद 2 है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन ये देखो I1 के आगे माइनस है तो यहां पे माइनस यूज करना यहां जरूरी है, और हमने इसको ब्रैकेट में दे दिए, ठीक है। KCL अप्लाई कर लिए नोड बी पे, इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करो, यहां से आपको VB का वैल्यू 100% मिल जाएगा। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, ये माइनस 8 माइनस VB डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 14, ठीक है, बिल्कुल स्टेप वाइज करेंगे। प्लस ये VB बाय 6 प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 8/14 प्लस VB/14 प्लस VB/6 प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये दोनों में से VB ले लो कॉमन, तो ये हो जाएगा प्लस 1/14 प्लस 1/6 ऑफ VB इक्वल टू,
ठीक है, ये जो 2 है इसको उधर शिफ्ट करो तो -2 हो जाएगा, और ये -8/14 उधर शिफ्ट करो तो प्लस हो जाएगा, तो +8/14 -2। ठीक है, अब ये ब्रैकेट को हम यहां पे कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम ये लिख लेंगे 14 इनवर्स प्लस 6 इनवर्स, तो ये आ चुका है 5/21, तो ये हो गया 5/21 VB। ओके, और ये 8/14 हम ये लिखेंगे 8/14 -2, तो ये आंसर आ चुका है -10/7, तो ये हम लिख लेंगे -10/7। अब ये -10/7 को 5/21 से डिवाइड करो, सो फाइनली VB का आंसर हमें मिल जाएगा, तो ये आंसर आ चुका है -6, तो हम यहां लिख लेंगे -6 वोल्ट। तो फाइनली ये हमें क्या मिल गया, ये हमें VB का वैल्यू मिल चुका है, VB का वैल्यू दैट इज -6 वोल्ट। यानी ये जो नोड है यहाँ पे, ये नोड के अक्रॉस का वोल्टेज पहले फाइंड आउट करना था, तो ये नोड के अक्रॉस का वोल्टेज हमें मिल गया, वो है -6 वोल्ट। और अब ये वोल्टेज का यूज करके हम आसानी से I1 और I2 फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे I1। तो ये I1 इज इक्वल टू हम यहां लिख लेंगे I1, यहां पे क्या हो सकता है, I1 देखो, I1 यानी हमने यहां पे लिख लिए थे I1 यानी 8 VB/14, तो हम यहां यही लिख लेंगे 8 VB/14। ये देखो, क्योंकि I1 जो है वो 8 से VB की तरफ जा रहा है, तो 8 VB/14। ठीक है, VB का वैल्यू ये जो है यहां उठा के पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 -6/14। इसका मतलब 14/14, देखो 14/14, तो ये हो गया इनडायरेक्टली 1 एम्पियर। सो I1 हमें मिल चुका है, वो क्या है, I1 इज द 1 एम्पियर करंट। ये हमने फर्स्ट ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट यहां पे फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद यहां पे सेकंड ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है I2। तो I2 के लिए हमने क्या कहा था, I2 के लिए कहा था VB -0/6। ठीक है, ये देखो VB -0/6, तो हम यहां लिख लेंगे VB -0/6। इसका मतलब ये -6/6, तो ये हो गया -1 एम्पियर। तो ये I1 और I2 हमने यहां लिख लिए। चलो I3 को भी हम यहां लिख लेंगे। I3 यानी क्या है, I3 है 2 एम्पियर, जो ऑलरेडी यहां पे हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था I3 इज द 2 एम्पियर। तो फाइनली सभी ब्रांचेस में से फ्लो होने वाला करंट है वो हमने फाइंड आउट कर लिए। लेकिन यहाँ पे हम एक काम करेंगे, यहाँ पे देखो हमने करंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख लिया है, कहीं पे भी डायरेक्शन वगैरह शो नहीं किया है। तो चलो अब डायरेक्शन वाइज इसको शो कर लेंगे। और हमने कहा था स्टार्टिंग में कि यहाँ पे 3 ब्रांचेस है, ठीक है, ये ब्रांच 1, ये ब्रांच 2 और ये ब्रांच 3। लेकिन अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट अगर ब्रांच वाइज अगर आपको लेना है तो वो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये है, देखो A से लेके B तक यहां पे हम शो करेंगे I1, ठीक है, A से लेके B, देन F से लेके A, इसमें भी फ्लो हो रहा है I1, F से लेके E, ये भी फ्लो हो रहा है I1। इसका मतलब हम यहां पे ऐसा लिख सकते हैं, देखो अगर आपको पॉइंट वाइज शो करना है तो ऐसा भी शो किए तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम चलो यहां पर पॉइंट वाइज शो करेंगे IAB यानी करंट फ्लोइंग थ्रू AB, A से लेके B तक जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है I1, और वो क्या है 1 एम्पियर। देखो I1 यानी 1 एम्पियर, हम यहां लिख लेंगे 1 एम्पियर, और इसका डायरेक्शन यहां दे दो, इसका डायरेक्शन रहेगा राइटवर्ड। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हो गया IAB। अब देखो IAF करंट फ्लोइंग थ्रू IAF अगर आपने ऐसा शो करना है तो ये इसमें से फ्लो रहा है I1, और I1 यानी 1 एम्पियर है, तो हम यहां लिख लेंगे 1 एम्पियर, और इसका डायरेक्शन यहां दे देंगे अपवर्ड। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद IEF, देखो EF यहां से फ्लो हो रहा है I1, सो हम इस तरह से लिख लेंगे IEF, तो ये भी हो रहा है 1 एम्पियर, और इसका डायरेक्शन जो है ऐसा लेफ्टवर्ड है। तो ये देखो पॉइंट वाइज हम यहां पर ब्रांचेस को शो किए हैं, तो इधर में हमने 3 चीजें शो किए हैं। ओके, इस तरह से। उसके बाद ये IBE, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है IBE, और इसमें से सिर्फ एक ही करंट फ्लो रहा है वो है I2, और I2 हमने फाइंड आउट किया है -1 एम्पियर। लेकिन अब देखो माइनस होने की वजह से, ये देखो -1 एम्पियर, और ये जो माइनस है वो हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन जब लिए थे तब का है, जब हमने डायरेक्शन डाउनवर्ड लिए तब -1 एम्पियर आया। अगर आपने डायरेक्शन अपवर्ड लिए होते तो यही आंसर प्लस में आता। तो हम एक काम करेंगे, इसका माइनस यहां से निकाल देंगे, और यहां पे हम लिख लेंगे 1 एम्पियर प्लस में, और इसका डायरेक्शन हम चेंज कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से IBE, ये हमने यहां पे डायरेक्शन चेंज किए, तो यहां पे जो साइन है वो ऑटोमेटिकली हट गया, माइनस का प्लस हो गया। ठीक है, आप ऐसा शो करेंगे तो भी चलता है, ऐसा शो करेंगे तो भी चलता है। ओके, IBE हो गया। और अब
यहां पे बी से लेके सी आई बी सी हम यहां लिख लेंगे आई बी सी, तो आई बी सी यहां से यहां तक आई थ्री है और ये आई थ्री यानी क्या है 2 एम्पियर और वो राइटवर्ड है, ठीक है। उसके बाद आई सी डी और ये भी 2 एम्पियर है, आई सी डी और ये भी 2 एम्पियर है और डायरेक्शन है डाउनवर्ड। और अब आखिरी में है आई डी ई, तो इसमें से भी हम वही शो कर लेंगे आई थ्री, ये देखो ये फ्लो हो रहा है आई थ्री, ठीक है, और ये भी फ्लो हो रहा है आई थ्री, ठीक है। तो ये हम यहाँ शो कर लेंगे, क्या कहा आई डी ई, आई डी ई बोलो या ई डी बोलो, ये भी है 2 एम्पियर और इसका डायरेक्शन है लेफ्टवर्ड। तो इस तरह से ये देखिए हमने पॉइंट वाइज सभी का डायरेक्शन यहाँ पे शो किया है। आप एग्जाम में ऐसा भी लिख सकते हैं, इस तरह से आप लिखेंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था, फाइंड द करंट इन द डिफरेंट ब्रांचेस, सभी जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस है सभी में फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना था। तो ये देखिए हमने ब्रांच वाइज सभी में फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट किया है और सभी का डायरेक्शन भी शो किया है। एग्जाम में भी आपको सॉल्व करते समय इसी तरह से सॉल्व करना है और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए, इस तरह के प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस जरूरी है। ये था किरचॉप्स करंट लॉ, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 13। इसके पहले जो हमने इसके 12 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।